दुनिया के सामने बाहर वो आने नहीं दिया, भरसक लोगों ने कोशिश किया कि बाहर नहीं जाए, और आज भी वो लोग उसी प्रकार से कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों को भी फिल्म देखना चाहिए सर, सत्ता पक्ष के बिल्कुल सबको, मैं तो पूरे देशवासियों को देखना चाहिए। अगर आज़ाद भारत में कहीं भी इस प्रकार की अगर घटनाएँ घटती हैं और दुनिया को पता ना या देश को पता ना, तो ये बिल्कुल गलत है, जानकारी होनी चाहिए। सर कल बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने जिस तरह से स्पीकर के साथ पकड़ा, क्या लग रहा है? देखो मैंने देखा भी नहीं यार, बिहार के बारे में मुझे काहे पूछ रहे हो, यहाँ के बारे में पूछो, यहाँ जो स्पीकर क्या करते हैं उसके बारे में पूछो, तो मैं यहाँ बता सकता हूँ। यहाँ तो स्पीकर आप देख रहे होंगे, जो झारखंड विकास मोर्चा कब के इलेक्शन कमीशन ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उन्होंने मिस्र के पिरामिड में जैसे मम्मी को रखा जाता है वैसे इन्होंने विधानसभा में उसको जीवित रखे हुए हैं। सर उस वजह से बीजेपी हाउस में कमजोर पड़ रही है क्या, लीडर ऑफ अपोजिशन ना होने की वजह? नहीं, हाउस में अब उस कारण से मैंने तो कहा उस समय भी कि भाई एक विषय को लेकर के हल्ला करना कोई मतलब नहीं है, अब इनकी मर्जी है। आप जरा सोचिए, जो विधायक नहीं भी होते हैं पार्टी दल के लीडर को चुनते हैं तो वो मुख्यमंत्री के पद की शपथ भी लेते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने चुन करके कहा कि सदन में हमारे दल के ये नेता ये होंगे, तो इनको तो सिर्फ मान्यता देनी थी, इसको करनी क्या है? बाकी आपको लगता है 10 शेड्यूल में गड़बड़ी हो उसकी सुनवाई करिए, उसमें कहाँ प्रॉब्लम था? तो ये छोटी सी बातें हैं। इसलिए आप कह रहे हैं बिहार के बारे में, करूँ बिहार तो मैं गया भी नहीं हूँ यार, झारखंड के बारे में पूछो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ स्पीकर क्या कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हेमंत सोरेन ये पूछो तो मैं बता सकता हूँ। सर बात 32 की भी हो रही है, 64 की भी हो रही है और 74 की भी। देखिए बात तो आप सब लोगों ने देख लिया ना कल मंत्री का बयान, ये लोग खुद ही कन्फ्यूज्ड है, और इतना बड़ी कन्फ्यूजन या कन्फ्यूज्ड तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं जो सत्ता में है। आप याद करिए जब ये अर्जुन मुंडा के साथ सरकार में थे तो 28 महीनों के बाद इन्होंने समर्थन विड्रॉ किया था इसी नाम पर कि भाई स्थानीय नेता घोषित हो, जबकि उससे पूर्व जब राज बना था तो भारतीय जनता पार्टी की हमारे नेतृत्व में ही सरकार बनी थी, तो हम लोगों ने बिहार की जो स्थानीयता की नीति थी उसको हम लोगों ने अंगीकार किया था, बिहार की मैं बार बार कह रहा हूँ, 2001 में हम लोगों ने अंगीकार किया, और उसके बाद वही चलते रहा। लेकिन उस समय भी आप देखे होंगे जेएमएम के लोग हल्ला करते थे, उस समय भी हमारे ऊपर तरह तरह के लोग आरोप लगाते थे, और उस समय अर्जुन मुंडा जब मुख्यमंत्री थे उनको इस प्रकार से दबाव डाला गया कि आप ये नहीं कर रहे हैं तो समर्थन विड्रॉ किया, और 14 महीनों तक राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी रहे लेकिन कुछ किया नहीं, हल्ला करते रहे। बाद में फिर जब रघुवर दास की सरकार बनी तो हल्ला करते रहे कि भाई आप इसको करिए, तो उन्होंने भी बेचारे क्या कहते हैं 16 है ना उस समय उन्होंने कर दिया और 85 को कट ऑफ डेट किया। और रघुवर दास जी ने तो बढ़ करके किया कि अगले 10 वर्षों के लिए 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति को झारखंड वासियों के लिए उन्होंने रिजर्व किया, यानी झारखंड वासी कौन होंगे जो 85 के पूर्व झारखंड से आकर के यहाँ बसे हो गए हो, जिसके पास उसकी प्रमाण हो सबूत हो, और अगले 10 वर्षों के लिए उन्होंने कहा कि भाई यहाँ के बच्चों के हो गए। ये तो आए फिर 19 में जब मुख्यमंत्री बने तो 20 में इन्होंने पहला काम क्या किया, नियोजन नीति को बदला, स्थानीय नीति को नहीं बदला, तो वही चल रहा है। अब नियोजन नीति इन्होंने कहा कि भाई जो यहाँ मैट्रिक पास करेगा प्लस टू करेगा वो नौकरी पाने के वो हकदार हो। आप बताओ सड़कों पे स्थानीयता के लिए लोगों को लड़ा रहे हैं, स्थानीयता के लिए वो क्यों यहाँ लड़ रहे हैं? ताकि नियोजन यहाँ के लोगों का हो, और नियोजन नीति तो हेमंत सोरेन जी ने जेएमएम की सरकार ने आते ही इन्होंने कर दिया कि 10th और 12th जो यहाँ पास करेंगे उनकी पात्रता होगा। आश्चर्य होता है उनके मंत्री लोगों को भी पता नहीं जो 1932 की बार बार बात करते हैं, जेएमएम के चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो,
कि 1932 होना चाहिए। भाई 1932 ला करके क्या करोगे, नियोजन नीति तो हेमंत सोरेन जी बना दिए, उन्होंने कह दिया कि भाई प्लस टू और टेंथ जो यहाँ से पास करेंगे वो थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी वो ले सकते हैं, कर सकते हैं। फिर बचा क्या, बात तो सब खत्म हो गया। तो बेमतलब का झारखंड मुक्ति मोर्चा सड़कों पर लोगों को दौड़ा दौड़ा करके हंगामा करवा रही है, वो चाहता है कि समाज यहाँ लड़ते रहे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, झारखंड की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने देखा होगा ये लोग अपने ही हल्ला करते, अपने ही विरोध करते हैं, और झारखंड की जनता चूंकि इन लोगों के चरित्र को पूरी तरह से पहचान लिया है, समझ लिया है, इसलिए आप देखो किसी में कोई हलचल नहीं होता है। थोड़े बहुत हलचल भी कहीं करते हैं तो इन्हीं के लोग करते हैं जो इनसे संबंध रखते हैं, वही लोग करते हैं, बाकी तो लोग जान गए। इन लोगों को तो कुछ करना नहीं है, इन लोगों को तो काम करना नहीं है, कमाने में लोग मशगूल हैं, कौन नहीं जानता है भाई। मैंने कल भी कहा था उसको, कल कैसे लोग मिस प्रिंट किया जगह जगह हम देखें। अरे हमने कहा कि घर द्वार कोई अगर ताला बंद करके कहीं बाहर जाओ तो किसी पहरेदार को बिठा के रखना, नहीं तो ताला तोड़ करके ये लोग इनके गुंडे घुस जाएंगे हेमंत सोरेन के, और किसी के जमीन किसी के घर को कब्जा कर लेंगे, और फर्जी कागज बना करके, चाहे सो 1932 का कागज बना देगा, 34 का बना देगा, 42 का बना देगा, और कहेगा कि ये घर तो हमारा है। यही बात मैंने यही बोला था, ये स्थिति है। लेकिन आज बिल्कुल पूरे राज्य में यही है भाई, कहीं भी चले जाओ जमीन को ऐसे ही लोग कब्जा कर रहे हैं। यहीं रांची में चले जाओ ना, बड़े बड़े बाउंड्री वॉल किया हुआ है। अभी भी हम आ रहे थे तो लोग आए, बजरा तरफ से लोग आए, भाई गांव की घर मजूरवा जमीन को किसी और के नाम से बंदोबस्त हुआ है। गांव की जमीन किसके नाम से बंदोबस्त होता है, गांव के लोगों के नाम से बंदोबस्त होता है, या तो सरकार अपने कामों के लिए उपयोग करती है, बाहर के लोग वहां आकर के कैसे बंदोबस्त हो जाएंगे, ये तो गलत है। बुरा बाउंड्री मार कर रहे हैं, बुरा लूट रहे हैं, एक एक शहर में, चाहे धनबाद हो चाहे गिरिडीह हो चाहे बोकारो हो, और पुलिस के प्रोटेक्शन में ट्रैक्टर, ये क्या कहते हैं, जीसीबी चलता है, डीसी के प्रोटेक्शन में चलता है। और मैंने तो कहा है कि कोई बचेंगे नहीं, सिर्फ सरकार बदलने दीजिए, जिस दिन अवसर मिलेगा जनता तो इस सरकार को बदल ही देगी, और उस दिन जो लोग भी इल्लीगल तरीके से ऑक्यूपाई करेंगे तो बुलडोजर चलेगा ही वहां पर। ये नहीं हो सकता है, आप किसी की जमीन को ऐसी कब्जा कर लेंगे साहब, ऐसे कैसे हो सकता है। अधिकारियों पर भी बुलडोजर बिल्कुल चलेगा साहब, आप देखेंगे ना जिस प्रकार से बिहार में जो गलत तरीके से संपत्ति जो भी अफसर अर्जित करते हैं उस संपत्ति को भी जब्त करने की झारखंड में भी कानून बनेगी, इसी विधानसभा में कानून बनेगी। क्योंकि क्या मजाक है साहब, लूटने के लिए यहाँ लोग नहीं आए, सेवा करने के लिए आए हैं, और लूट रहे हैं सब लोग मिलकर के, इस धरती को बर्बाद कर रहे हैं, ये नहीं होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।